अशोकनगर में 24 से 30 तारीख का अशोक बागेश्वर धाम सरकार की एक कथा होने वाली है। इस कथा को लेकर जो सबसे बड़ा काम है या मैनेजमेंट है वो इसके वित्त प्रबंधन का है। दरअसल खुद बागेश्वर धाम ये कह चुके हैं कि इस समय वो भारत देश के सबसे महंगे संत हैं और अपनी व्यवस्थाओं को लेकर वो कह चुके हैं कि कम से कम 1 CR उसमें खर्च होती है। और अशोकनगर की जो कथा है उसमें एक एडिशनल चीज़ ये जोड़ने वाली है कि सातों दिन एक बड़ा भंडारा सुबह से शाम तक कथा के समय को छोड़कर चल रहा है। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये कथा कम से कम 2 करोड़ रुपये से आसपास या उसके ऊपर भी जा सकती है। ऐसे में चूँकि इस आयोजन को करने वाली समिति पहले से ये कह चुकी है कि सार्वजनिक रूप से जो है चंदा नहीं वसूला जाएगा, किसी तरह कट्टे नहीं छपेंगे, तो इतने बड़े आयोजन के अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है अर्थ को लेकर, तो जनता ये जानना चाह रही थी कि दरअसल इतने बड़े काम को बिना अर्थ सब व्यर्थ है तो कैसे ये कर पाएंगे। इन सब पर बात करने के लिए विधायक जजपाल सिंह जी हमारे बीच में, जो तार वाले बालाजी भक्त मंडल के जो है सदस्य भी हैं। विधायक जी, ये बड़ा प्रश्न है, आपने शुरू में ये बात कही थी साहब हम किसी से चंदा इस तरह नहीं वसूलेंगे कि सीधा सीधे घटाएं उन लोगों के पास जाएं कि चंदा दो पता करा रहे, पर इतना बड़ा आयोजन करेंगे कैसे। दरअसल मैं बताऊं कि ये जो आयोजन होने जा रहा है बागेश्वर धाम कथा होने जा रही है, ये आम जन की स्वप्रेरणा जी, आम मानस के अंदर से अपने आप ही भाव आया था कि ये कथा होना चाहिए। तो चूंकि ये कथा जब होना चाहिए तो फिर तारवाले बालाजी महाराज की ऐसा प्रेरणा थी ये कथा होना चाहिए, उनकी प्रेरणा से ही हम लोग बागेश्वर गए थे। तो जब उनकी ही मर्जी है तो हम लोगों को लगा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। जब तारवाले बालाजी महाराज की मर्जी से ही यहाँ पे राम भगवान राम के वो अनन्य सेवक हैं हनुमान जी, और जब हनुमान जी की कृपा तारवाले बालाजी भक्त मंडल जो है ये आयोजन करा रहा है, आयोजन करता, तो उन सारे मेंबरों ने भी बैठ के तय किया कि हम लोग ना तो कोई रसीद छपेगी जी, ना किसी से चंदा लिया जाएगा। शुद्ध रूप से 25 से 30 लोग जो तारवाले बालाजी के भक्त हैं उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो लोग आपस में ये सारी व्यवस्था करेंगे। और उसके लिए व्यवस्था कैसे करेंगे, मैं उस समिति का मेंबर हूँ एक जी, तो यदि मैं उसमें जो भी सहयोग कर रहा हूँ तो सहयोग का मतलब ही नहीं मैं कहूँ कि मैंने ये कर दिया। एक हमने वित्त प्रबंधन समिति बनाई जी, और उसमें कोशिश ये की गई है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल ऑनेस्टली और निष्पक्ष भाव के साथ पूरा एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, अगर मुझे कोई सहयोग करना है तो वो समिति को दूंगा जी। मतलब खर्चे का पूरा प्रबंधन वो नहीं के हाथ में रहेगा, उनका काम है जी, उनकी जो अन्य काम के लिए समितियां जो बनी गई हैं तो वो ये बताएंगी कि इस जगह ये आपको इतना खर्चा आ रहा है, ये हमने चीज़ ले ली, उसको बिल ला के देंगे, या अब वो समिति का काम है कैसे वो टैली कर रही है किस चीज़ को जी, और वो प्रबंधन समिति उसके पास फंड जाएगा। यदि मैं 10 रुपये सहयोग कर रहा हूँ वो समिति को दूंगा, ना कि मैं कहीं 10 रुपये खर्च करके आके बता दूँ मैंने वहाँ 10 लगा दिए, मैं 10 रुपये उस समिति को दूंगा। अब 10 रुपये हाँ मैं ये बताऊंगा कि इस ये काम कर मैं करना है मेरी समिति को, जो जवाबदारी मुझे दी उसमें ये इतना पैसा इतना खर्च हो रहा है, अब वो उसको देखेंगे मैं अगर सही बता रहा हूँ तो वो ही पेमेंट करेंगे, वो ही वहाँ जाके हिसाब करेंगे, वो ही कल को समिति को शहर की जनता को हिसाब करेंगे। तो उसमें जो समिति बनाई है मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि वित्त के लिए प्रबंधन समिति जो हमने बनाई है कि जो जिसके पास हम फंड जमा करेंगे और जो पूरा लेन देन वो समिति करेगी, तो और उस समिति में जो मेंबर है उनका नाम जरूर यहाँ बताना चाहूँगा, लगभग शहर के लोग सब जानते होंगे, एक तो हमारे ये सब लोग इनके बारे में सब प्रमाणिक समाज से भी मान लें, समाज से भी हैं और प्रमाणित हैं, और ये भी पता है ये समाज सेवा करते हैं और अपनी जेब से ही पैसा खर्च करके करते हैं। तो उनमें जैसे हमने श्री हरिओम जी शर्मा जो रिटायर दस्तार साहब हैं सब जानते हैं, वो हमेशा धार्मिक आयोजन, तो हमने उनको इस समिति में रखा है। एक मीनू यादव, मैनेन्द्र यादव मीनू जो लगातार समाज सेवा में रहते हैं योगा के माध्यम से अन्य माध्यमों से, तो उनको हमने वित्त प्रबंधन समिति में रखा है। एक संजय रघुवंशी जी खेचरा, तो वो जानते हैं सारे लोग, तो वो भी हमेशा से हर आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो एक वित्त प्रबंधन समिति में उनको रखा है। और एक राहुल जैन शैलू एडवोकेट हैं,
और वो जैन समाज के ट्रेजरर हैं, तो हमने उनको भी इसमें रखा है जी विशेषज्ञ के तौर पर। हाँ, विशेषज्ञ के तौर पे उनको, चूंकि जो कहीं कोई जो ऑडिट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हिसाब मेंटेन करना, तो इसलिए उनको इनके साथ रखा है। एक सचिन कांसल हमारे व्यापारी हैं शहर के, ट्रैक्टर की बड़ी एजेंसी, बड़े कारोबारी हैं। एक अर्चित अग्रवाल हैं, वो भी बड़े यहाँ के व्यापारी हैं। और एक शरद गुप्ता जी हैं, उनका मेडिकल का काम बड़ा। तो ऐसे सात लोगों की समिति बनाई है, वित्त प्रबंधन समिति। जो भी समिति के लोग, चंदा नहीं हो रहा कि कहीं से हम रसीद काट आ रही है या कहीं से कोई कलेक्शन हो रहा है, जो तार वाले बालाजी जी मंडल है, वो मंडल के जो सदस्य, और उसे मैंने बताया कि लगभग 30 के करीब सदस्य हैं जो ये सारा वित्त का इंतजाम करेंगे। अच्छा, मैंने ये कोई समिति को जाया और समिति उसका, हालांकि मैंने ये भी सुना है कि उन 30 लोगों ने ये तय किया कि हम ना तो ये बताएंगे कौन कितना पैसा दे रहा है, हाँ, कितना खर्च हो रहा है, तो कौन कितना करेगा उसमें, हाँ, ये सारी चीज़ें उन 30 लोगों के बीच में ही रहेंगी, वो बाहर नहीं आ ये सब केवल वो 30 लोग करेंगे जी, किसको कौन कितना सहयोग कर रहा है, ये केवल 30 को पता रहा है या इन 7 लोगों को पता होगा कि कौन कितना दे के गया है। अच्छा, उसमें ये भी है कि अगर कम ज़्यादा भी होता है तो वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी सब सब वो कहने का मतलब जब उन्हीं लोगों को ये करना है जी। कारवार वाला जी जो है मंडल है, वो लोग ही सब व्यवस्था, और उसमें मंडल तो बहुत व्यापक है, भक्त मंडल में बहुत सदस्य है, ये सिर्फ आर्थिक सहयोगी, लेकिन आर्थिक सहयोगी लगभग 30 के करीब, 2-4 कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो ये केवल वो कर रहे हैं और वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसको क्या कितना सहयोग करना कितना नहीं करना सबको पता है, तो अपनी अपनी हैसियत से और अपने भाव से सब कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल ये कि ये तो हो गया कि साहब पूरे खर्चे को ये लोग मेंटेन कर लेंगे या करा देंगे, मगर इसके बाद भी अगर किसी की इच्छा ही है कि उसको दान करना ही है, तो क्या वो उसको बैन रहेगा या कर सकता है वो कहीं? नहीं, दान उसको, मैंने कहा कि हम लोग ऐसा इसमें थोड़ा सा ये समिति विचार करेगी, यदि कोई इनके अलावा कोई आदमी भक्त आके कहता कि नहीं मैं भी इसमें योगदान देना चाहता हूँ, तो अब इसमें ये जो वित्त समिति, ये इसका निर्णय है लेना। लेकिन जो आम आदमी, हम क्योंकि ये कोई सब, और दूसरी महत्वपूर्ण, ये कोई जो आयोजन हो रहा ये केवल उन 30 लोगों के वजह से या 30 लोगों के लिए नहीं हो रहा, ये पूरे ज़िले का आयोजन है, आम जन का आयोजन है। तो यदि उसमें कहीं को, जैसे एक भंडारे का आयोजन है, तो कहीं एक चीज़ आई थी, यदि कोई कुछ सहयोग करना ही चाह रहा है तो उससे कहा जाए भाई आप वहाँ भंडारे का भोजन सामग्री कोई भी सामग्री आप कुछ वहाँ दे दें जो सहयोग है, क्योंकि आयोजन ये इसका आशय ये नहीं, ये बताना नहीं चाह रहे कि हम लोग कर कोई, ये सब ईश्वरी प्रेरणा, तारवारे वाला जी प्रेरणा से हो रहा है, तो जिसको जो भाव है तो और माध्यम है, तो मदद करने के लिए किसी को रोका तो जा नहीं सकता जी। तो इसलिए जो होगा जिसके भाव हैं तो करें, लेकिन इसमें किसी तरह से कोई चंदा रसीद या किसी से कहा नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो लोग दे रहे हैं क्या इनको भी रसीद या उनकी? नहीं, कोई रसीद का कोई काम नहीं है, तो मंडल है तारवाला भक्त मंडल, तो श्रद्धा से जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है, पकड़ा के जा रहा है, ये इस समिति को ये रखो, क्या करना है आप जाओ। चलिए, तो जब तारवारे वाला जी भक्त मंडल ने तय किया था कि एक बड़ी कथा हम कराने वाले हैं, तो करीब 30-40 अलग अलग तरह की समिति बनाई गई है, तो कितने व्यवस्थित तरीके से इसको किया जा रहा है, आप इन 2-3 चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे भी इस कथा को और भव्य और अच्छे से संचालित कराने के लिए कुछ कमेटियाँ कुछ समितियाँ काम करती रहेंगी, उन पर आपके बीच में आता रहूँगा। आखिर इसकी स्वरूप कैसा होगा, बैठने की व्यवस्थाएँ कैसी रहेंगी, कलश को लेकर, कलश यात्रा को लेकर एक बड़ा काम होगा, तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, हर दिन आपको कुछ ना कुछ इस कथा से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।